हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑल राउंडर पे। तो आज का जो वीडियो है हमारे कार का जो कंसोल पैनल होता है उसके लिए है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है इसे हमें खोलना है। इसे हम किस तरह से खोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आप म्यूज़िक सिस्टम देख रहे हैं इसके टच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और मुझे इसे चेंज करना है। तो मैं इसे बाहर आफ्टर मार्केट चेंज नहीं करा के मैं ऑनलाइन मैंने इसे ऑर्डर करा है और इसे खुद ही चेंज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो इसे खोलना है ये एक काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब आप इसे खोलेंगे तो आपके पास टूल्स नहीं होते हैं और खोलने में टूट भी जाता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसे बहुत ही ईजिली आप कैसे ही घर पे ही इसे खोल सकते हैं और कोई स्पेशल टूल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसे किस तरह खोलें। तो यहाँ ज़रूरत होगी आपको दो बटर नाइफ की, और बटर नाइफ़ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें कहीं पर भी शार्पनेस नहीं होती है और ये पतले होते हैं काफ़ी, तो ये ईजिली चले जाएंगे। अगर आप इसमें नॉर्मल वाला जो नाइफ़ होता है उसे आप यूज़ करेंगे तो कहीं पर भी स्क्रैच या कट आ सकता है, इसलिए इसे जब भी यूज़ करें तो आप बटर नाइफ़ का ही यूज़ करें। इसमें इसके अलग टूल्स आते हैं लेकिन उस टूल्स का जो रिप्लेसमेंट है वो इसी से हो पाएगा और इससे आप इजीली इसे खोल पाएंगे। अब इसमें आप एक जो है बटर नाइफ उसे इसके अंदर थोड़ा कोशिश करिएगा अंदर चला जाए, और उसके बाद दूसरा जब आप करेंगे तो थोड़ा देर से होगा क्योंकि दो नाइफ जाने के लिए इतना गैप नहीं होता है इसके अंदर। तो आप थोड़ा थोड़ा इसे करके कोशिश करेंगे तो दूसरा नाइफ भी इसके अंदर चला जाएगा। इसके क्लिप्स को जो है फिर आपको धीरे धीरे करके ऊपर को उठाना होगा। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक जैसे कि आप देख रहे हैं इजीली जा रहा है और दूसरा नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा थोड़ी जगह बनाने की और उससे दूसरा भी जो बटर नाइफ है उसे इसके अंदर करने की कोशिश करूँगा। ये जगह इसमें थोड़ा स्पेस बन गया है और अब इस हम इसे धीरे धीरे दूसरे बटर नाइफ से हम इसे ऊपर को उठाएंगे, और जब एक क्लिप निकल जाएगा फिर हम धीरे धीरे करके आगे को बढ़ते चले जाएंगे इसी तरह से, और ऊपर के जो क्लिप्स हैं वो भी निकलते चले जाएंगे। मैं भी आपको बाहर निकाल के इसके क्लिप्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह से फंसे हुए होते हैं। तो इसी तरह से जितने भी आपका पैनल होगा, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे इस तरह से ओवल शेप हो, या जैसा भी आपका हो, इस बटर नाइफ से आपका ईजिली आप घर पर ही खोल सकते हैं। और कोई भी अगर आपके इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है तो आप इसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे बहुत ज़ोर नहीं लगाना है, बहुत आराम आराम से खोलना है, क्योंकि ज़रा सी भी आपकी गलती इसको तोड़ भी सकती है। अब एक साइड के हमने निकाल लिए, अब इसके नीचे की तरफ के जो हैं दूसरी साइड की तरफ में हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे और वहाँ के जो क्लिप्स होंगे वो भी हम निकालेंगे। और इसमें किसी तरह की खींचतान मत करिएगा क्योंकि ज़रा सी भी आपकी जल्दबाजी इसे तोड़ सकती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ईजिली और आसानी से इसे करना है। तो ये नीचे की तरफ से पूरा आ गया है निकल के, ऊपर की तरफ से मैं थोड़ा और बढ़ाऊँगा इसे जो कुछ क्लिप्स, क्योंकि अभी इसमें लगभग तीन क्लिप्स मैं निकाल चुका हूँ और लगभग चार क्लिप्स के लगभग और इसके अंदर हैं, तो वो ऊपर से थोड़े आ जाएंगे। तो एक साइड से आ गया, मैं दूसरी साइड में जाके दूसरी साइड्स के जो क्लिप्स हैं वो निकालूंगा क्योंकि इधर से थोड़ा हाथ सही नहीं आ पाएगा। और यहाँ से आप थोड़ा उठा के देख लीजिएगा, थोड़ा फ्री होने लगेगा यहाँ से ये। अब दूसरी साइड से आके दूसरी साइड के जो जिस तरह से हमने करा था उसी तरह से इसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब हमें अंदर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक स्लॉट बन चुका है हमारा, उसी से हम धीरे धीरे इसे ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह से ये सारे क्लिप आप देख रहे हैं बाहर आ रहे हैं। और जब आप सारे क्लिप्स को बाहर निकाल लेंगे तो आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है या कंसोल पैनल जो भी आप इसे कहें, इसे आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं। देखिए अब ये पूरे सारे जब मैंने क्लिप इसके फ्री कर लिए तो ये पूरी इजीली आपका बाहर आ गया। अब दूसरी जो ध्यान रखने वाली चीज़ वो ये है, जब ये बाहर आ जाए तो इसे एकदम से खींचना नहीं है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी वायर्स लगे हुए होते हैं। एक तो आपकी हैजार्ड लाइट जो है वो इसकी लगी हुई होती है, और हो सकता है आपको वीडियो इतना साफ नहीं दिखाओ क्योंकि उस टाइम लाइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही हो गया है। और जैसा कि मैं वायर्स का बता रहा था, तो वायर्स इसके एकदम से मत खींचिएगा क्योंकि नीचे हैजार्ड लाइट है, उसका वायर लगा हुआ होगा, क्लॉक का वायर होगा, और भी कई इसमें स्विचेस हो सकते हैं आपके पैनल में लगे हुए हों। तो एकदम से नहीं खींचना है, उन वायर्स को पहले धीरे धीरे करके निकालना है, म्यूज़िक सिस्टम के वायर्स को निकालना है, पावर के जो हैं इसके और इसके स्पीकर्स के जो वायर होंगे उन्हें पहले फ्री कर लेना है। और अगर आपके बैक कैमरा वगैरह लगा हुआ है तो सारे जितने भी इसके पीछे जितने भी वायर्स जुड़े हुए हैं उन्हें निकाल के तब इसे फ्री करके बाहर निकालना है। एकदम से आप खींचेंगे तो हो सकता है कोई वायर टूट जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक एक करके सारे वायर जो हैं मैंने अलग कर लिए। अब ये जो आपको येलो येलो करके जो दिख रहा है ये क्लिप्स थे, ये इसमें पूरा जो आपका डैशबोर्ड होता है डैशबोर्ड में इन क्लिप्स की मदद से फंसा हुआ होता है बिल्कुल टाइट होके, तो इन्हें खींचना या ज़बरदस्ती करने में टूट जाते हैं। तो यहाँ पर आप सारे क्लिप्स देख रहे होंगे येलो कलर के, सारे बिल्कुल साबित होकर निकल आए हैं। तो इससे आप ईजिली बिल्कुल आसानी से इन दो बटन एस की मदद से आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, और आपकी अगर कोई रिपेयर होने वाली ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं तो आप इसीलिए अपने घर पे ही कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।